गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मिल्क वाहन लिखी गाड़ी से मिला शराब और बियर का जखीरा। दूध के वाहन में पुलिस ने पकड़ी 10 लाख रुपए की शराब। पंचायत चुनाव में बांटने के लिए लाई जा रही थी खेप। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब माफिया भी काफी एक्टिव हो गए हैं और धड़ल्ले से शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी इन अपराधियों को पकड़ने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में मुरादनगर ईस्टर्न पेरिफेरल वे के टोल प्लाजा के पास स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है। गाड़ी के ऊपर मिल्क वाहन लिखा हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी को रोका तो गाड़ी के अंदर तहखाना सा बना हुआ था, जिसमें करीब 10 लाख रुपए की शराब और बियर का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने इस दौरान गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी हमको कि एक गाड़ी है हरियाणा की साइड से पेरिफेरल पे आ रही है और उसमें कुछ शराब है, तो उसमें पीछे हमारी टीम लगी हुई थी, तो वो गाड़ी टोल पर पकड़ी गई थी। लेकिन उसके पहले का जो घटनाक्रम था वो हमें जब पूछताछ की गई, जो उसका गाड़ी का ड्राइवर था उसके थाने पर लाके जब पूछताछ की गई, तो उसका घटनाक्रम थोड़ा सा अलग हमें पता चला। उसमें ये पता चला कि वो गाड़ी लगभग आधा पौन घंटा पहले ही पेरिफेरल टोल पर रोक ली गई थी और वो रोकने वाला व्यक्ति संदीप था, जो कि आबकारी का कॉन्स्टेबल है। उसने वो गाड़ी रोक के उसको साइड में लगवाया, फिर इस लड़के को एक कमरे में वहां पर बंद कर दिया जो टोल पर ही था, और वहां पर इसको बंद करके इसके मालिक से उसने बात करी और इससे डीलिंग करने का प्रयास किया कि हम गाड़ी आपकी छोड़ देंगे, आप हमें पैसा दें। तो लेकिन जब वो डील नहीं हो पाई और उसी समय हमारी टीम भी पीछे से आ गई और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर भी आ गए, तो उसके बाद इसने इस तरह से प्रिटेंड किया कि हाँ ये हम लोगों ने पकड़ी है। फिर उसको हम जब थाने पर लाए, फिर इसमें और पूछताछ करने पर और भी काफ़ी बातें पता चली कि गाड़ी जो इसने काफ़ी समय से रोक रखी थी, लड़के को इस तरह से इसने बोला कि पैसा दिलवा दो और मैं तुम्हारी गाड़ी छोड़ दूंगा। और लड़के ने यह भी बताया कि उसने मेरी जेब में से लगभग 8 नोट 500 रुपए के और 2 नेपाल के नोट भी थे, वो इसने मेरी जेब से निकाल लिए और वो इसकी जेब में है। तो जब आबकारी की टीम के साथ संयुक्त तलाशी ली गई तो संदीप की जेब में, जो कि आबकारी के कॉन्स्टेबल है, उसकी जेब में ये पैसे भी मिले हमको, और इसमें तत्काल मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस पूरे मामले में 2 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। एक तो वो लोग जो शराब लेके आ रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, पूरी सीएम के खिलाफ मुकदमा किया है। इसके अलावा एक दूसरा मुकदमा जो इसमें हुआ वो कॉन्स्टेबल के अगेंस्ट हुआ है भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत, और इसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट सभी संसदीय विभाग को भेजी जा रही है और इनको दोनों अभियुक्तों का अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करके दिया होगा। फिर कितनी शराब थी, क्या क्वान्टिटी थी और क्या कुछ रकम थी, क्या रही होगी? हाँ, शराब में इंग्लिश शराब भी थी, इसके अलावा देसी भी थी और बियर की बॉटल भी थी। तो इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास हुई होगी और ये हरियाणा से बिजनौर सप्लाई की जा रही है। शॉप पर जैसे कि पूछताछ थी तो उसमें ये बताया उसने कि किसी को वो देता, लड़के को जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः ये चुनाव के लिए जा रही थी। अब इसको हम ट्रेस कर रहे हैं कि किन लोगों ने इसको मंगाया था और उनको भी हम इसका नाम सुन के उनको अभी इस मामले में तस्करी करने वाले अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं जांच में सामने आया है कि आबकारी विभाग के एक सिपाही की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा था। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है। यही वजह है कि मसूरी और निवाड़ी थाना इलाके में चल रही शराब की अवैध फैक्ट्रियों का भी पुलिस ने खुलासा करते हुए लाखों रुपए की नकली शराब बरामद की और अब तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।